प्रदेश में आदिवासियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सीएम कमलनाथ द्वारा संघ को चेतावनी देने के बाद अब बीजेपी सीएम कमलनाथ पर हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सीएम कमलनाथ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2021 की जनगणना में आदिवासियों से धर्म वाले कॉलम में हिंदू लिखवाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुहिम चलाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर तल्खी दिखाते हुए कहा कि यदि संघ ने प्रदेश में ऐसा कोई अभियान चलाया तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करेंगे। मुख्यमंत्री की इस चेतावनी से बीजेपी भड़क गई। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है। कमलनाथ जी ने कहा है आज कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जो कि मध्य प्रदेश और देश के आदिवासियों को मूलधारा में लाने का, देश की सनातन धर्म की मूलधारा में लाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे आदिवासियों के लिए आरएसएस का जो यह अभियान है इसके लिए वह हतोत्साहित करेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी पहले सनातन धर्म की परंपरा करें, उनके अनुयायियों की परंपरा का अनुसरण करें, अध्ययन करें और इसके बाद में ही कोई बयान जारी करें। आदिवासी आदिकाल से ही वह सनातन संस्कृति का, हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग रहा है, विशिष्ट अंग रहा है और यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। शबरी के भेद भगवान राम ने खाए थे, शबरी आदिवासी ही तो थे। मैं कमलनाथ जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि पहले भी हिंदू धर्म के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है, अब कृपा करके इस खिलवाड़ को बंद करें और यह जो सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहा है और ईसाइयों के इशारे पर यह सब हो रहा है, इसके लिए तत्काल प्रभाव से बंद करें। मैं जानता हूं कि सोनिया गांधी के इशारे पर कमलनाथ छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश के आदिवासी भाइयों के लिए ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात की कतई अनुमति नहीं देगा और इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि सरकार का यह षड्यंत्र या कमलनाथ के षड्यंत्र सफल हो। बता दें कि बीते दिनों संघ प्रमुख के इस बयान के ऐलान पर सीएम कमलनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का अभियान चिंता का विषय है और आदिवासियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी धार्मिक संबद्धता दर्शाने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। इस तरह के अभियान को प्रदेश में चलाया गया तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, रहली।